हेलो दोस्तों नमस्ते ये ऑइनमेंट का पार्ट टू है पार्ट वन में हमने ऑइनमेंट की डिफिनेशन देखी थी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लासिफिकेशन एंड द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑइनमेंट देखे थे तो इस इस वाले पार्ट में हम ऑइनमेंट के जो बेसिस हैं उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे यानी कि कौन से बेस ऑइनमेंट में यूज किए जाते हैं इसका हम डिटेल स्टडी इस वीडियो पार्ट में करेंगे तो मेनलींमेंट बेसिस जो है वो मेनली चार पार्ट में क्या हो जाती है डिवाइड हो जाते हैं क्लासीफाई हो जाती है तो फर्स्ट है ओलियोजेनिस बेसिस सेकेंड है एबजॉर्बशन बेसिस थर्ड है इमल्शन बेसिस एंड द फोर्थ है वाटर सॉल्युबल बेसिस तो ओलियोजेनिस बेसिस चलिए क्या है देखते हैं तो ओलियाजेनिस बेसिस ये क्या है वाटर इनसॉल्युबल है ये हाइड्रोकार्बन एंड द वेजिटेबल ऑयल्स मेनली ओलियाजेनिस बेसिस में आते हैं तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सॉफ्ट पैराफिन हो सकता है लिक्विड पैराफिन हो सकता है या हार्ड पैराफिन हो सकता है दोस्तों तो चलिए हम अभी सॉफ्ट पैराफिन के बारे में पढ़ते हैं तो एक किसका एग्जाम्पल है ओलिजिनस बेसिस का एग्जाम्पल है तो सॉफ्ट पैराफिन को हम पेट्रोल आइटम भी कहते हैं ये क्या है प्योरीफाइड मिक्सचर ऑफ द सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन ऑप्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम ये पेट्रोलियम से ऑप्टेन किया जाता है और ये प्योरीफाइड मिक्सचर है किसका सेमी सॉलिड हाइड्रोकार्बन का और मेनली सॉफ्ट पैराफिन के दो टाइप है येलो सॉफ्ट पैराफिन एंड द वाइट सॉफ्ट पैराफिन ये पैराफिन के क्या थे दोस्तों मेनली दो टाइप थे उसके बाद में हम देखेंगे लिक्विड पैराफिन उसके बाद में हम क्या देखेंगे लिक्विड पैराफिन इसे हम क्या कहते हैं वाइट मिनरल ऑयल भी कहते हैं और द लिक्विड पेट्रोलियम भी कहते हैं ये क्या है कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंड द ऑप्टेन फ्रॉम द पेट्रोलियम बाई द डिस्टिलेशन ये पेट्रोलियम से ऑप्टेन किया जाता है मेनली डिस्टिलेशन प्रोसेस से और एक किससे कंसिस्ट होता है दिक दो मिक्सचर ऑफ अ लिक्विड हाइड्रोकार्बन इसमें क्या होता है मिक्सर होता है किसका लिक्विड हाइड्रोकार्बन का क्या होता है दोस्तों मिक्सर होता है लिक्विड पैराफिन इज यूज अलोंग विद द हार्ड पैराफिन एंड द सॉफ्ट पैराफिन टू गेट डिजायर कंसिस्टेंसी ऑफ द ऑयनमेंट कभी कभी ऑयमेंट की हमें डिज़ायर कंसिस्टेंसी चाहिए होती है तो हम लिक्विड पैराफिन को हार्ड पैराफिन एंड द सॉफ्ट पैराफिन में भी क्या करते हैं मिक्स करते हैं और हमें डिज़ायर क्वांटिटी का ऑइमेंट हम बनाते हैं तो डिसएडवाटेज देखते हैं ओलिजिनस बेसिस के तो क्या है ग्रीसी होते हैं ग्रीसी होती है स्टिकी होती है एंड द डिफ़िकल्ट टू द रिमूव फ्राम द स्किन ये स्किन से ज़्यादा जल्दी रिमूव भी नहीं होते तो ये थे दोस्तों ऑलिजिनस बेसिस ये हमने देखे उसके एग्जाम्पल थे सॉफ्ट पैराफिन लिक्विड पैराफिन एंड द हार्ड पैराफिन अभी हम देखेंगे एब्जॉर्बशन बेसिस अभी क्या देखेंगे एब्जॉर्बशन बेसिस तो चलिए ऑब्जॉर्बन बेसिस देखते हैं तो क्या है हेव प्रॉपर्टी ऑफ द एब्जॉर्बिंग कंसिडरेबल क्वान्टिटी ऑफ वाटर क्या होती है उन इन में क्या होती है एक प्रॉपर्टी होती है वो वो कंसिडरेबल क्वान्टिटी ऑफ वाटर को क्या कर सकते हैं एब्जॉर्ब कर सकते हैं बट स्टिल रिटेन देयर ऑइनमेंट लाइक कंसिस्टेंसी बट वो क्या करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करते हुए भी जो उनकी जो ऑइनमेंट लाइक कंसिस्टेंसी है वो वो क्या करते हैं मेंटेन रखते हैं फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन बेसिस के कौन से एग्जांपल हो सकते हैं तो मेनली चार एग्जांपल है तो फर्स्ट तो क्या है उल फैट इसे हम अनहाइड्रस लिनोनिन भी कहते हैं ये क्या है प्यूरिफाइड फैट लाइक सब सनसेस ऑप्टन फ्रॉम द उल ऑफ द शिप ये क्या है प्यूरिफाइड फैट है और ये कहाँ से ऑप्टेन किया जाता है उल किसके शिप के अब्जॉर्ब फिफ्टी परसेंट ऑप इट्स वेट ऑफ वाटर ये क्या करता है फिफ्टी परसेंट जो इसका वेट है वो वाटर को क्या करता है एब्जॉर्ब करता है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट फॉर द सिंपल ऑइनमेंट बेस एंड द ऑप्टलमिक ऑयमेंट बेस ये कहाँ पर यूज किया जाता है उल फैट या अनहाइड्रस अनहाइड्रास्लैनोनिक ये सिंपल ऑइनमेंट बेस के तौर पर यूज किया जाता है एंड ऑप्तोलमिकलमेंट बेसिस के तौर पर ये यूज किया जाता है अभी हम देखेंगे हाइड्रोसूल हाइड्रो हाइड्रोसूल का को हम दूसरा क्या कह सकते हैं लेनोनिन भी कहते हैं ये क्या है, है इन्सॉलिबल इन वाटर सॉलिबल इन इथर एंड द अल्कोहल ये वाटर में इंसॉलिबल है और इथर एंड द अल्कोहल में सॉलीबल है ये मिक्सचर इसमें क्या क्या होता है सेवेंटी परसेंट वाटर बाय वाटर उल फैट होता है लेनोनिन में और थर्टी परसेंट क्या होता है वाटर होता है उसके बाद में थर्ड एग्जाम्पल है हमारे एब्जॉर्बशन बेसिस का उल अल्कोहल ये ऑप्टेन किया जाता है उल फैट से ट्रीटिंग ओ जो उल फैट का ट्रीटिंग करते हैं हम किसके साथ अल्कली के साथ एंड द सेपरेटिंग द फ्रैक्शन ऑफ द कंटेनिंग कोलेस्टेरल एंड द अदर अल्कोहल ये कोलेस्टेल एंड द अदर अल्कोहल जो उल फैट में होते हैं उसे क्या करते हैं सेपरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है ओल अल्कोहल मिलता है आखिर में हम देखेंगे आखिर में हम देखेंगे बीज बैग्स ऑप्टेन फ्रॉम द हनीकोम ये हनीकोम से ऑप्टेन किया जाता है वाइट बीज बैग्स ऑप्टेन फ्रॉम द ब्लीचिंग द beeswax. बीज the the yellow beeswax बीज yellow beeswax का हम ब्लीच करते हैं तो हमें क्या मिलता है वाइट बीज हमें मिलता है तो ये था दोस्तों absorption बेसिस ये था absorption बेसिस तो हमने क्या क्या देखा दोस्तों हमने सबसे पहले ओलिजिनस बेसिस देखा और उसके बाद में हमने एब्जॉर्प्शन बेसिस देखा अभी हम emulsion बेसिस देखेंगे एंड द वाटर सॉल्युबल बेसिस देखेंगे तो चलिए इमल्शन बेसिस देखते हैं इमल्शन बेसिस क्या होते हैं इमल्शन बेसिस सेमी सॉलिड होते हैं और क्रीम लाइक कंसिस्टेंसी इनकी होती है इनके एग्जाम्पल है वाटर इन ऑयल सॉरी ऑयल इन वाटर एंड द वाटर इन ऑयल इमल्शन बेसिस इनके दो एग्जाम्पल है जो ऑयल इन वाटर जो इमल्शन है वो कैन बी ईजीली रिमूव फ्रॉम द स्किन स्किन से जल्दी रिमूव होता है एंड द नेक्स्ट क्या है वाटर इन ऑयल ये क्या है ग्रीसी होते हैं एंड द स्टिकी होते हैं उसके बाद में हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल बेसिस लास्ट है एग्जाम्पल क्लासीफाई क्लासीफिकेशन तो ये क्या होता है ग्रीसलेस ऑइनमेंट कहते हैं uh, इसे वाटर सोल्यूबल बेसिस को कंसिस्टिंग ऑफ द वाटर सोल्यूबल इन्ग्रीडियंट सच एज द पॉली इथिलीन ग्लाइकोल नॉन एज द कार्बोवैक्सेस इसे हम क्या कहते हैं पॉलीइथिलिन गाइकोल भी कहते हैं और ये क्या होता है इसे हम कार्बोवैक्सेस भी uh, नाम से जाना जाता है कार्बोवैक्सेस uh, क्या होते हैं वाटर सोलिबल नॉन वोलाटाइल एंड द इनड सब्सटेंसेस होते हैं डिफरेंट मॉलिकुलर वेट होता है तो उसकी वजह से डिफरेंट कंसिस्टेंसी भी वो शो करते हैं तो ट्रैगा कान जेलेटिन पेक्टिन आर ऑल्सो यूज इन द वाटर सोलिबल बेसिस ये कान जेलेटिन पेक्टिन भी यूज़ किए जाते हैं वाटर सोलिबल बेसिस के तौर पर तो ये थे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑइंटमेंट ऑलिजिनस बेसिस एब्जर्बन बेसिस इमल्शन बेसिस एंड द वाटर सॉल्यूबल बेसिस आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो अंत तक देखने के लिए दोस्तों दिल से शुक्रिया धन्यवाद